जय जवान, जय किसान, नमस्कार, दुआ सलाम। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोग वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि इस वीडियो में आज जो है हम लोग सबसे पहले तो बात करेंगे आलू मंडी नबीगंज की, कि नबीगंज मंडी में इस साल जो नया आलू आया है उसका क्या भाव रहा है, और जो 2022 में नया आलू आया था उसका क्या भाव है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि आपका जो छिबरामऊ मंडी में आलू आया था वो किस डेट को आया था और क्या भाव रहा है। उसके बाद जो अभी छिबरामऊ मंडी में आलू आने वाला है वो कब आएगा और क्या भाव रह सकता है। उसके बाद हम लोग ऊना होशियारपुर में जिस दिन आलू की खुदाई शुरू हुई थी उस दिन आलू का क्या भाव था, और अभी तक कितनी आलू खुदाई हो चुकी है, और आज आलू का क्या भाव है ऊना होशियारपुर में। उसके बाद कानपुर मंडी में जो नया आलू पहुंच रहा है वो कहां कहां का है और क्या भाव में बिक रहा है। इन सारी महत्वपूर्ण बातों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि जो पुराने आलू पे तेजी आ रही है उसका कारण क्या है और कैसे ये तेजी बनी रहेगी या सिर्फ 2-3 दिन के लिए है। तो सबसे पहले तो आप सभी भाइयों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपके अपने भाई का चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार से आलू की रोजाना की अपडेट लाता रहूंगा। और अब आप लोगों को आलू पे रोजाना अपडेट रहने की जरूरत है, मतलब आप लोग अब डेली आलू की खबर से अपडेट रहिएगा, क्योंकि अब आलू की खुदाई शुरू होने वाली है और आलू के क्या कैसे भाव हैं। और इस साल किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि जब भी लगे आपको कि इस साल मेरे आलू के भाव अब मुझे अच्छे मिल रहे हैं तो आप लोग फटाक से आलू का भाव का जो है आनंद लीजिएगा, अदरवाइज किसी के कहने और सुनने में नहीं आइएगा, चाहे मैं बोलूं अदरवाइज और कोई, क्योंकि जो हुआ वो उसे भूल जाइएगा। हमें पता है कि हर साल एक ना एक रूमर पे किसान को मारा जाता है, जैसे कि इस साल जितने भी किसान भाई हैं उनको 2 पैसे का लाभ नहीं हुआ है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नबीगंज मंडी से। तो नबीगंज मंडी की अगर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, नबीगंज मंडी में सबसे पहले जो आलू आया था ना। तुम्हें 2D एनिमेशन का कॉन्सेप्ट के बारे में पता है? हाँ, तुम्हें नहीं पता क्या? मैं तो अपने बिजनेस के लिए बहुत सारा एड वीडियो बनवाया हूँ जिससे मेरे बिजनेस में काफी ग्रोथ आया है। अच्छा, ये बात है। मेरा बिजनेस बहुत दिनों से डाउन जा रहा है इसलिए मुझे भी एड वीडियो बनवाना है। तो तुम यूनिकॉर्न डिजिटल से कॉन्टेक्ट कर लो, मैं भी अपना बिजनेस का सारा वीडियो वहीं से बनवाता हूँ। यूनिकॉर्न डिजिटल वो क्या है? हाँ, इंडिया का नंबर 1 ट्रस्टेड एडवर्टाइजमेंट कंपनी यूनिकॉर्न डिजिटल पे आपको मिलेगा हिंदी, इंग्लिश और बंगाली लैंग्वेज में प्रोफेशनल वॉइस ओवर द्वारा कार्टून एंड मोशन ग्राफिक वीडियो, लोगो एनिमेशन, पोस्टर एंड बैनर डिजाइन जैसा कहीं सर्विस पाने की सुविधा। 2022 में 11 तारीख 11वां महीना 2022 को आलू आया था, पिछली साल की बात कर रहा हूं। तो वहां पे क्या था, लगभग 33 कट्टे आए थे जिसकी वीडियो मैंने डाली थी और मेरे सामने ही मंडी का मुहूर्त हुआ था, मतलब कि 11/11/2022 में नबीगंज मंडी में 33 कट्टे आए थे जिनका भाव 721 रुपए प्रति कट्टा रहा था, जिसमें वजन होंडा ही होता है और साइज का अच्छा नहीं था आलू, ठीक है। अब दूसरी बात हम लोग कर लेते हैं कि इस साल जो आलू आया है उसका क्या भाव रहा है और कब आया है। देखिए, दूसरा जो इस साल आलू आया है नया, एक्चुअली आने वाला था दीपावली पे या धनतेरस पे ही मुहूर्त होने वाली थी, लेकिन आलू लेट होने की वजह से जो है मुहूर्त नहीं हो पाई थी। तो वहां पे 16 तारीख 11वां महीना 2023 को, मतलब 16 तारीख को आलू आया था, और शायद आज जब आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है 19 तारीख हो, अदरवाइज 20 को भी देख रहे होंगे। तो क्या है कि इस बार जो है वहां पे आलू पहुंचा था 16 तारीख को, लगभग 18 कट्टे पहुंचे थे जिनका भाव 811 रुपए प्रति कट्टे के हिसाब से मिला था।
और बिक्री हुई थी, लेकिन भाई साहब आलू कोई ढंग का नहीं था, आलू कतई बढ़िया नहीं था, लेकिन वही बात, सेकी सेका नहीं बोलते, मतलब सेकी सेकी में यार भाई चलो मुहूर्त हो गया और 811 रुपए में वो आलू बिक्री हो गया, जो फोटो आप लोग देख पा रहे हो सामने, ये आलू था देखो। आपके बिजनेस का मार्केटिंग पार्टनर पाइए मार्केटिंग फेस्टिवल पोस्ट और वीडियो, वो भी आपके बिजनेस डिटेल के साथ। जैसा कि आप लोगों ने देख लिया ना, यही वाला आलू था। अब हम लोग बात कर लेते हैं छिबरामऊ मंडी की। तो छिबरामऊ मंडी में जो है आलू जो आया था 12 तारीख को आया था, 11वां महीना और 2022 को लगभग 61 कट्टे आए थे, जिनका भाव 1151 रुपए प्रति कट्टा के हिसाब से बिके थे पिछली साल छिबरामऊ मंडी में। उसके बाद फिर 17 तारीख को 21 कट्टे आए, वो 901 रुपए बिके। उसके बाद फिर 18 तारीख को लगभग 15-20 कट्टे आए, वो 600 रुपए के आसपास बिक्री हुआ। उसके बाद से फिर आलू आना प्रारंभ हो गया, फिर जो भाव मिलते रहे वो आप लोग देखते रहे, और हमें भी इतना ध्यान नहीं है कि कितना क्या भाव में पो चला था। अदरवाइज अभी की बात करें छिबरामऊ मंडी में, तो छिबरामऊ मंडी में मैंने आप लोगों को 2-3 दिन पहले कुछ से एक वीडियो डाला था हल्का सा। छिबरामऊ मंडी में एक सब्जी मंडी भी लगती है, जिसमें कि अपने यहाँ लोकल का तो आलू मुझे देखने को नहीं मिला था, लेकिन जो आलू आए थे वो मेरे मतलब जो आरती लोग थे, बोल लोगों का कहना था यार भाई ये ऊना होशियारपुर का आलू है, बाहर से इस मंडी में आया है। मैं उनकी बात को मान लिया और देखा कि वो आलू भी अच्छे क्वालिटी के नहीं थे, आप लोगों ने भी देखा होगा, नहीं देखा है तो मैंने वीडियो को डाल के रखी है, आप लोग जाके वीडियो को देख सकते हो। अदरवाइज क्या होता है कि अब छिबरामऊ की मंडी में जो आलू है, संभवतः लोग बता रहे हैं, मतलब मुझे भी खबर ऐसी नहीं है कि जल्दी छिबरामऊ मंडी में आलू आने वाला है, तो छिबरामऊ मंडी में जो आलू आने वाला है अभी उसका मुझे खबर नहीं मिल पाया है, तो लोग बता रहे हैं लगभग 20-25 तारीख से आ जाएगा। जैसे ही आएगा सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा। नेक्स्ट बात, अभी जितनी भी आलू की खुदाई हो रही है वो फरखाबाद डिस्ट्रिक्ट के ही आलू की खुदाई चालू हुई है, मतलब फरखाबाद डिस्ट्रिक्ट में इक्का दुक्का खेत की आलू की खुदाई चालू हो गई है। जो नबीगंज में आलू आया था ना, वो भी फरखाबाद क्षेत्र का ही था, फरखाबाद के इधर पिपर गांव क्षेत्र का था, मामदाबाद के आगे का। आज भी नबीगंज मंडी में कुछ आलू आने को कहा जा रहा है, आता है तो देखते हैं क्या भाव चलता है, वो भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो अब अगर हम लोग बात करें कि कानपुर मंडी में जो नया आलू पहुंच रहा है वो कहां का, स्कूल का प्रचार, कोचिंग का प्रचार, हॉस्पिटल का प्रचार, मॉल का प्रचार, शोरूम का प्रचार या अन्य प्रकार की प्रचार है बनवाना, लेडीज जेंट्स की दमदार आवाज एवं बेहतर क्वालिटी के साथ घर बैठे अपना प्रचार कैसेट बनवाए ऑनलाइन मात्र 2 घंटे में, लगातार आपकी सेवा में 15 वर्षों से तत्पर अपना प्रचार केंद्र। किसी भी प्रकार के प्रचार प्रसार के लिए संपर्क करें हमसे, हम है अपना प्रचार केंद्र, मोबाइल अपना प्रचार केंद्र। कहाँ पहुंच रहा है देखो, कानपुर मंडी में जो आलू पहुंच रहे हैं, जहां तक मेरी जानकारी है कानपुर मंडी में जो आलू पहुंच रहे हैं ना, वो आपके ना इधर कन्नौज के तिरबा क्षेत्र के, अदरवाइज या कन्नौज क्षेत्र के 100-200-500 कट्टे बड़ी मुश्किल से पहुंच रहे हैं, और जो है उनका भाव जो है करीबन आपका कितना चल रहा है भी आपको मैं बता देता हूं भाई, मान के चलिएगा 500 से लेकर और 600 रुपए प्रति मन के हिसाब से चल रहे हैं, मतलब 500 से लेकर 600 रुपए प्रति मन के हिसाब से। और अगर हम लोग वही बात कर लेते हैं, हम लोग जो है पंजाब का ऊना होशियारपुर का जो नया आलू पहुंच रहा है कानपुर में, मतलब ऐसा होता है देखो, सबसे फर्स्ट नंबर आता है आलू दिल्ली में, जब दिल्ली में जो गाड़ी बिक्री नहीं हो पाती ना, तो दिल्ली से उठा के वो लोग जो है सीधा कानपुर मंडी के लिए भेज देते हैं। तो कानपुर मंडी में जो पंजाब वाला आलू है वो 800 से लेके 900 रुपए कट्टा के आसपास बिक रहा है, ऐसा लोग बता रहे हैं। मतलब अब बात वही, पुराने आलू की डिमांड थोड़ी कानपुर मंडी में बढ़ी है और कानपुर मंडी में पुराने आलू के भाव भी थोड़े बहुत बढ़ रहे हैं, मतलब सफेद आलू आपका 250 से 300, 350 और लाल वाला जो है 350 से लेके 400 ऊपर में, 450 इक्का दुक्का 600 भी रुपए जा रहा है, मतलब लाल वाला न्यू हाईलैंड।
तो ये सीन है। और अब बात करते हैं ऊना होशियारपुर पंजाब की। मतलब ऊना होशियारपुर में जिस दिन आलू की खुदाई हुई थी, उस दिन मतलब आलू की खुदाई जो हुई थी ना, आपका संभवतः ये मान के चलिएगा 1 तारीख से खुदाई लग गई थी। मतलब आज है 17, 18, 19, 20 होगी जो भी है, मतलब हम तो वीडियो जब शूट कर रहे हैं तब आज 18 तारीख है, हो सकता आप लोग 20 को देख रहे हो, 19 को देख रहे हो। तो वहां पे 1 नवंबर से आलू की खुदाई शुरू हुई थी और अभी तक लगभग 50% आलू की खुदाई शुरू हो पाई है। जिस दिन आलू की खुदाई शुरू हुई थी उस दिन 1800 से लेकर 1700 से लेकर 1800 रुपए प्रति कट्टा के हिसाब से आलू की बिक्री हुई थी और अभी भी बराबर वहां पे खुदाई जारी है। अब अगर भाव की बात करें वहां पे, तो वहां के आलू का जो भाव है आपका 500 से लेकर 600, ऊपर में इक्का दुक्का 650 और सुपर वीआईपी एक्स्ट्रा 700 रुपए प्रति कट्टा के हिसाब से वहां पे आलू की बिक्री चल रही है। और वहां पे संभवतः आधे दिसंबर तक आलू की खुदाई चलने वाली है। तो भाई ये थी मेरी इस वीडियो की जानकारी। तो कैसी लगी वीडियो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आप किस क्षेत्र से और आपके खेत कब आलू की खुदाई होगी इसी चीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। और जल्द ही एक न्यू जानकारी के साथ मिलते हैं आप सभी किसान भाइयों को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।